और सारा काम अच्छा चल रहा है। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बहुत मजे की होने वाली है और झटपट तैयार होने वाली है। नो कुक रेसिपी है, यानी इसमें आपको कुछ कुक करने की जरूरत नहीं है। तो झटपट रेसिपी तैयार करते हैं और ये पार्टी रेसिपी बनने वाली है। मतलब आपके घर में कोई भी पार्टी होती है तो आप इसे साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं। चलें जी, तो शुरू करते हैं अपनी साइड डिश को। तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े सैलेड खाए होंगे, बहुत मजे के भी होंगे, लेकिन जो ये सैलेड बनने लगा है ये सब सैलेड को पीछे छोड़ देगा। और आप लोग इसे लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात कहूँ, मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप वैसी मजे की बातें नहीं करती जैसी पहले कर रही थी। तो एक्चुअली रेसिपी बनाते बनाते बंदा इतना सीरियस हो जाता है कि सिर्फ रेसिपी की जानी फोकस रहता है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि कुछ फनी फनी जोक्स भी आपको सुना सकूं। मिरासियों वाला काम कर लूंगी, आई मीन मिरासियों वाला काम, सॉरी टू से मिरासियों को, मिरासी बुरा ना मनाए, ये भी एक फन होता है। तो कभी कभी आम लोग भी मिरासी बनने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए मैं बातें कर रही हूँ कि रेसिपी आज बहुत मजे की होने वाली है, क्योंकि छोटी चीजें ज्यादा है लेकिन रेसिपी बहुत ही स्मॉल है। तो और ये वो सलाद है कि आप बड़े बड़े सलाद भूल जाएंगे इसके आगे। तो शुरू करते हैं, ये नहीं कि खाना ही भूल जाएंगे खाना जरूर है। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लें काफी चीजें हैं, तो इनसे हमने रेसिपी बनानी है। तो बिस्मिल्ला करते हैं। सबसे पहले हम फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स में यहाँ पे मेरे पास एप्पल है, तो इस बाउल को पीछे कर देते हैं, इसकी जगह बनाते हैं। एप्पल के अलावा यहाँ पे हम लेंगे ये अमरूद है, सिंपल सिंपल फ्रूट लेने हैं, ज्यादा वो फ्रूट नहीं लेने जो मैश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज और बनाना नहीं लिया, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप लास्ट में उसको ऐड करें जी। तो ये फ्रूट, ये अनार भी मैंने डाल लिया है, तो इन चीजों को मिक्स कर देते हैं जी। तो यहाँ पे है मेरे पास ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस को डालते हैं हम बस इतना सा जी। तो यहाँ पे है मेरे पास इमली की चटनी, ये डाल देते हैं, ये 1.5 चम्मच डालिए, इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला, साथ ही नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, थोड़ी सी यानी 1 चम्मच शुगर डाल देंगे मिठास के लिए। तो इसको दोबारा मिक्स करेंगे, ये मिक्स हो गई है। अब इसको मैंने साइड पर कर दिया है और दूसरा बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये मेरे पास है यहाँ पे आलू हैं बॉयल किए हुए, इतने बॉयल नहीं करने कि ये बिल्कुल गल जाए, ये देखें इस तरह के हैं। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ, इस तरह मैंने इसके पीसीस कर लिए हैं। और यहाँ पे हैं शिमला मिर्चें, ये भी डाल देते हैं जी। तो यहाँ पे है मेरे पास गाजरें, ये भी उबली हुई हैं, ये मेरे पास मटर है बॉयल किए हुए, इनको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल है, ये डाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास है सब्ज चटनी, इसे आप ग्रीन केचप भी कह सकते हैं, ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे मायोनीज है, मायोनीज डालेंगे, लेकिन मायोनीज को हमने इस तरीके से नहीं डालना, हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे 3 चम्मच दही लिया है, अगर आप क्रीम लेना चाहते हैं तो क्रीम ले लें, लेकिन हमें थोड़ा सा खटास भी चाहिए तो इसलिए मैंने दही लिया है। इसके अंदर मायोनीज शामिल करेंगे, मायोनीज शामिल करने के बाद इसके अंदर नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक, जितना हमें इसके लिए चाहिए। तो ये मैंने नमक शामिल कर दिया है, ब्लैक पेपर है 1 चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ जो ये वेजिटेबल मिक्स की हैं, तो ये इसमें डाल देते हैं, इसे मिक्स करेंगे। जी तो ये भी मिक्स हो गया है,
अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, इसको भी साइड पे करते हैं जी। जो थर्ड चीज़ है यहाँ पे मेरे पास है, सफ़ेद चने उबले हुए साथ खीरे हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर आधा कटा हुआ, तो ये डाल देते हैं। प्याज है जितनी हमें ज़रूरत है हम उस हिसाब से डालेंगे। ये ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, तो इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर देते हैं हम। बहुत मज़े की और स्पाइसी और खट्टी मीठी डिश तैयार हो रही है, और आप देखने कितनी जल्दी है, और इसको जो डिश आउट करने का तरीका है वो भी बहुत अमेजिंग है। आप लोग इसी तरह बनाएं इसको। करेंगे इसके अंदर साल्ट डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। तो जी यहाँ पे मैंने साल्ट डाल दिया है। यहाँ पे है फ्रूट चाट मसाला, वो डालेंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे जी। तो ये मिक्स हो गया है, इसको साइड पे करते हैं जी। तो यहाँ पे है मेरे पास मैक्रोनी, उसके अंदर हम डालेंगे केचप और साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल देंगे, मायो डालेंगे, साल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर, इनको भी मिक्स करेंगे जी। तो मैक्रोनी को भी मैंने मिक्स कर लिया है, जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने थे जो चीज़ें वो ऐड कर ली हैं, इसको साइड पर करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास ब्लैक बीन्स, तो इनके साथ भी हमने वही करना है। इसके अंदर हम थोड़े से पीस डाल देंगे कलर देने के लिए, टेस्ट के लिए चटनी, ग्रीन चटनी, थोड़ा सा मायो, मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और ये अच्छा लगेगा टेस्ट में भी। ब्लैक बीन्स को मैंने बॉईल करते हुए इसमें नमक डाला था, इसलिए मैं नमक नहीं ऐड कर रही। इसको मैं इस बर्तन में कर निकाल लेती हूँ जी। तो यहाँ पे है मेरे पास वाइट बीन्स, इनको डालते हैं। इसके अंदर हम मायो ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 6 तरह की सलाद रेडी है। अब इनको डिश आउट करना है। कितना टाइम लगा है? 5 से 6 मिनट लगे हैं इनको रेडी करने में। यानी इस डिश को कह सकते हैं 5 मिनट में तैयार होने वाली सैलेड रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो हर सलाद को पीछे छोड़ दे जी। तो अब इसको हमने डिश आउट करना है। डिश आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे ये जो रशियन सैलेड बनाया था, ये लेते हैं। इसको हम एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मज़ेदार सा सलाद रेडी है। आप इसे रशियन सैलेड, फ्रूट सैलेड, चना चाट और मैक्रोनी, ब्लैक बीन्स और वाइट बीन्स के साथ जो भी कह लें, बहुत ही मज़े का बने। और इसको आप जब मेहमानों को सर्व करेंगे वो लाजमी इसको पसंद करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और अपने लाइक का कमेंट ज़रूर दिया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।